रेलमगरा थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजन, दरीबा माइंस यूनियन और कंपनी प्रबंधन के बीच समझौता हुआ, जिसमें मृतक के आश्रित को 34 लाख रुपए और परिवार में से एक आश्रित को नौकरी देने पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर और शव को उठा लिया। वार्ता हुई और हालांकि व्यक्ति तो लौट नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान जिंक और यूनियन के बीच जो समझौता था, पिछली बार की तरह शांतिप्रिय तरीके से जनप्रतिनिधियों और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच में वार्तालाप हुई और लगभग 34 लाख रुपए, जिसमें इंसेंटिव इंश्योरेंस सारा कुछ करके उस परिवार को संबल के लिए दिए जाएंगे और एक जने को नौकरी का दिया जाएगा।